जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगांव इलाके में आतंकवादियों ने सुबह के समय एक पुलिस दल पर हमला कर दिया। इस हमले के दौरान दो पुलिसकर्मी शहीद हो गए। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने श्रीनगर के नौगांव इलाके में एक पुलिस दल पर अंधाधुंध गोलाबारी की, जिसमें तीन पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को SMSH अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि दो घायलों ने रास्ते में दम तोड़ दिया, तीसरे का इलाज अस्पताल में किया जा रहा है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। बताते चले कि नटगांव बाईपास के पास पुलिस दल पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलाबारी की। तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां दो ने दम तोड़ दिया। इस वारदात के बाद क्षेत्र को बंद कर दिया गया और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गश्त बढ़ा दी गई। यहां बता दें कि स्वतंत्रता दिवस को लेकर पूरा श्रीनगर हाई अलर्ट पर है। इसी बीच मारे गए दो लोगों की पहचान इशफाक आयुब और फयाज अहमद के रूप में हुई, जबकि घायल की पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। घटनास्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए IGP कश्मीर ने कहा कि जैश ए मोहम्मद संगठन ने हमले को अंजाम दिया है। कश्मीर पुलिस प्रमुख ने कहा कि आतंकवादियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें जल्द ही निष्प्रभारी कर दिया जाएगा। श्रीनगर से फिरदौस कादरी की रिपोर्ट। हमारे दो सिपाही शहीद हो गए, एक जख्मी हुए। हम लोग पूरे एरिया को कॉर्डन कर लिए हैं और इसमें जैश मोहम्मद का हाथ है और इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सर, इस तरह के इनपुट पहले थे आपको कि ऐसा कुछ वाका पेश आ सकता है? हाँ, बिल्कुल था। हर एक 26-15 अगस्त के पहले ऐसा इनपुट आते रहता। इसका भी इनपुट था कि किसी भी एरिया में स्ट्राइक कर सकता है। लड़के वहाँ अलर्ट थे, आप जैसा देखे उनके PPE जैकेट पटकाए पहने थे, पूरा मुस्तैद था। एक पीछे से छिप के आ गया और फायर किया, जिससे हमारे जो के शहीद हो गए। लेकिन हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर लिए हैं। सर, ये एरिया जो है कंट्रोल कर लिया आपने, जांच पड़ताल चल रही है, स्पेशली सिक्योरिटी, आप समझते हैं कि थोड़ा लैकिंग या लूप होल्स कहीं ना कहीं थे जिसकी वजह से स्ट्राइक कर गए? लूप होल नहीं, आप देखिए गली कितना नैरो है, इसमें सिविल के मूवमेंट होते रहता है। ऐसा नहीं कि एक्सीडेंट पेड था कि सिविलियन के मूवमेंट होते रहता है, तो इसको लूप होल नहीं। कितना चैलेंजिंग समझते आप 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे? हर एक साल चैलेंजिंग रहता है, हालांकि कश्मीर में हर डेली चैलेंजिंग जो रहता है। सर, 15 अगस्त कल है, सिक्योरिटी के इंतजाम की अगर हम बात करें तो क्या इंतजाम थे? कल भी आप लोग पूरी हम लोग तैयारी कर चुके हैं। यह हादसा हो गया, अनफॉर्चुनेट हो गया। इसमें चूंकि भीड़ भाड़ लोगों का मूवमेंट था, तो हमारे जवान अगर यूटिलेट करते हैं अंधाधुंध तो सिविलियन का लॉस हो सकता था। इसने हमारे लड़कों को बहुत रिस्ट्रेंट किया, लेकिन इसको हम लोग प्रोफेशनल ढंग से न्यूट्रलाइज करेंगे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।